दोस्तों, आपके पास अगर एक क्रेडिट कार्ड है और आप वो क्रेडिट कार्ड से अमेजन पर कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर लेना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में मेरे क्रेडिट कार्ड से अमेजन पर एक आईफोन ईएमआई पर ऑर्डर करके आपको दिखाने वाला हूँ। और इससे देखने के बाद आप भी अमेजन पर क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर ऑर्डर करना सीख जाएंगे। तो कृपया करके ध्यान से पूरे स्टेप्स को फॉलो करके ही ऑर्डर करें, उसके लिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अमेजोन से क्रेडिट कार्ड पर कोई भी प्रोडक्ट को ईएमआई में ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के आपका जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है ऑलरेडी लॉगिन है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर अमेजोन से मतलब आपके क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करना है और उसको ईएमआई करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में लिखना है जो भी प्रोडक्ट आपको लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर आईफोन 12 लेना है तो आईफोन 12 लिख के हम सर्च करेंगे। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है वो प्रोडक्ट आप इधर से सर्च करके उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला आईफोन मुझे लेना है, आईफोन 12 मिनी 128 GB, तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो आप अगर पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर पहली बार आप जो है क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जो अमाउंट है मतलब ये जो मोबाइल का प्राइस है 66,898 रुपीस है, यानी कि 67,000 रुपीस है। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड में इतना रुपया का जो है लिमिट आपके पास होना चाहिए, तभी आप ये प्रोडक्ट को जो है ईएमआई में कन्वर्ट करके परचेस कर सकते हैं। तो अलग अलग क्रेडिट कार्ड का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक लिमिट होता है। तो सबसे पहले आप लिमिट चेक कर लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है। तो जितना का प्रोडक्ट आप खरीदने जाएंगे उससे ज़्यादा ही आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट होना चाहिए, तभी आप जो है क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर वो ऑर्डर को जो है कंफर्म कर सकते हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि आप कोई भी अमाउंट के प्रोडक्ट को जो है क्रेडिट कार्ड में परचेस करने के बाद ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3,000 रुपया से ऊपर का ऑर्डर को ही आप जो है क्रेडिट कार्ड से प्रोडक्ट करने पर उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3,000 से नीचे कोई भी सामान आप लेके तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी बिल बने उसी डेट के अंदर आपको पेमेंट करना है। लेकिन आप अगर 3,000 से ज़्यादा रुपये का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आप आसानी से आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है 67,000 के आसपास है, तो मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो 1,00,000 से भी ज़्यादा है, तो हम आसानी से इसको ऑर्डर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको इस आईफोन को ऑर्डर करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड से ईएमआई में ऑर्डर करने चाहते हैं, सबसे पहले उसका मंथली जो रेंज है ईएमआई का जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप चेक कर सकते हैं, कितना एक्स्ट्रा लगेगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सब देख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इधर एक ईएमआई ऑप्शंस का ऑप्शन दिखेगा, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो उस पर हम सिंपली क्लिक कर दिया, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। जैसे अमेजॉन पे लेटर है, जैसे अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दो कि अमेजॉन पे लेटर का भी एक वॉलेट होता है अमेजॉन पे यूजर्स के लिए, उसमें भी कुछ जो है क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, उससे भी आप जो है ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को लेने के बाद। उसके बाद डेबिट कार्ड ईएमआई भी है, और जो आधार ईएमआई है वो है क्रेडिट कार्ड का, तो हम आधार ईएमआई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है व्यू ओनली नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन, यानी कि कुछ कुछ बैंक का जो कार्ड है जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, वो नो कॉस्ट ईएमआई में जो है प्रोडक्ट देते हैं अपने यूजर्स को 6 महीने के लिए। तो अगर आपका बजाज फाइनेंस का कार्ड है तो आप इसका चेक कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस का फिलहाल अभी ऑफर नहीं दे रहे, अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड का जो है मिल रहा है, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस जो है नहीं देना पड़ेगा, जो भी है आपको नो कॉस्ट ईएमआई में मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो है HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो हम आधार ईएमआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर हमें दिख रहा है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसके नीचे लिखा है प्रोसेसिंग फी ऑफ 199 बाय बैंक, यानी कि अगर हम ये ऑर्डर को कंफर्म करेंगे हमारे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से
तो आपको जो प्राइस होगा उससे 199 रुपये जो है हमें ज़्यादा देना पड़ेगा प्रोसेसिंग चार्ज के लिए बैंक को। तो हम डिटेल्स में और देखेंगे। इसके लिए आपको जो राइट साइड में एरो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको अलग अलग मंथ के लिए अलग अलग जो आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट है आप इधर से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर 3 महीने के लिए ये प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे तो आपको 3 महीने जो है 22,897 रुपया करके 3 महीने में पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि टोटल हमारा जो इंटरेस्ट है 1,790 रुपीज़ करके पड़ 92 रुपीज़ करके पड़ रहे और 16% का इंटरेस्ट हमें लग रहे हैं। और तो टोटल जो प्राइस हो जाएगा 68,690 रुपीज़। तो आप अगर 3 महीने के लिए करेंगे तो इतना रुपया आपको देना पड़ेगा टोटल। आप अगर 6 महीने के लिए करेंगे तो आपको इतना रुपया पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा महीने के लिए आप EMI को कन्वर्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 2 साल तक जो है आप इसको कर सकते हैं। तो मैं जो है 3 महीने के लिए ही करना चाहूँगा। तो चलिए कैसे करेंगे, इसको कैसे सिलेक्ट करना है, मैं आपको पूरी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करके। तो चलिए हम इसको, तो आप प्लान आपको इधर से समझा दिया, इसको आप आसानी से एक बार चेक कर सकते हैं और आपके हिसाब से जो है इधर आपको EMI प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको नीचे जो है बाय नाउ के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप नीचे देख सकते हैं। इधर आपको देखने को मिलेगा EMI। तो आपको सिंपली EMI के ऊपर क्लिक करना है। EMI के ऊपर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट EMI ऑप्शंस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो मान लीजिए मुझे अगर नया कार्ड में ऐड करना है तो ऑलरेडी मेरा जो है एक कार्ड है ऑलरेडी ऐड है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले वाला मेरा जो कार्ड है वही ऐड कर दूंगा। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कार्ड ऐड नहीं है तो आप कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना चुका हूं। तो आसानी से ऐड न्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करके उसका कार्ड नंबर, उसके बाद उसका जो मंथ ऑफ एक्सपायरी, इसमें भी कोड डाल के कन्फर्म कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो आपको सिंपली, हमें ऑलरेडी कार्ड ऐड कर चुका तो उस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट EMI टेन्योर, यानी कि कितने महीने के लिए करना चाहेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया उधर काफ़ी सारे ऑप्शन था, तो अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मुझे 3 महीने के लिए करना है, 3 महीने ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 199 रुपीज़ प्रोसेसिंग फी प्लस GST विल बी चार्ज बाई HDFC बैंक ऑन ऑल EMI प्लान्स, यानी कि इतना रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा EMI ऑप्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए 3 महीने के लिए हमें सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो 6 महीने कर सकते हैं, 9 महीने कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने महीने में आप बिल को पेमेंट कर पाएंगे वो हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चूज EMI प्लान के ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद जो CVV कोड है, कोड को आपको इधर बॉक्स के अंदर डाल देना है, जो भी कोड आपके क्रेडिट कार्ड में दिख रहे CVV। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक बार ऑर्डर को चेक करना है। उसके बाद आपको जो एड्रेस है उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको प्लेस योर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्लेस यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट पेज पर। वह आपको OTP डाल के ये ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये OTP आपको वो मोबाइल नंबर पर जाएगा जो मोबाइल नंबर आपका HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसमें लिंक है, उसमें OTP जाएगा। तो चलिए OTP को हम डाल देते हैं। उसके बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है कंफर्मेशन किया जा रहा है और कुछ ही समय में हमारा जो प्रोडक्ट है कंफर्मेशन जो है सबमिट सक्सेसफुली प्लेस्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमें दिखा रहे हैं ऑर्डर प्लेस, हमारे बैंक की तरफ से भी इतना रुपया का स्पेंड हुआ है, वो भी मैसेज आ चुका है, आप इधर से देख सकते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली ये EMI में कन्वर्ट हो चुका है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी महीने में आपने ये महीने में अगर परचेस किया तो उसका जो बिलिंग साइकिल है 45 डेज या फिर 30 डेज का, तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी पोर्टल पर लॉगिन करके आपके क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो चेक कर सकते हैं। आप अगर मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं तो उधर भी आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट को चेक कर सकते हैं। उधर से भी बिल जो है हर महीने में आपको मिलेगा, वो बिल आपको पेमेंट कर देना है। तो आप इस तरह से आपके अमेजोन में आपके क्रेडिट कार्ड से जो है EMI पर जो है कोई भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो से जुड़े हुए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसे वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।